नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया, नरोड़ा गांव है और आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नरोड़ा गांव, तो दोनों में हमें खूब खूब कुछ संख्या कम से कम वाणी काटा होगा ना सर, नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया। फिर उन्होंने लाश उठा उठा के फेंक दिया, कुआ एक था कुआ में डाल के तरफ दिया सबके। पहले तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार मेरे को मिले ना तब, तो मैं बोला ये कहीं हमारे वहाँ बहुत पत्रकार और ऐसे तैसे आदमी आते तो मेरे को पूछते कि आप पाटिया का, मैं बोला मैं पाटिया का था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर एक हॉस्पिटल में दाखिल। उनके इधर है सब, ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे प्यूलो तो थी हमारे पास, उस टाइम तो मजा ही और था सब, और हमारे चार कार्यकर्ता मर गए और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। वर्कशॉप है उसके बाद दीवार है उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ पे एक गड्ढा भी है बहुत बड़ा, वहां मैदान में सबको मारा। और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं आप संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभाला, क्या हुआ रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR होके हो गया, देखो वहां था ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने दे दिया। ये सारे बहुत बड़ा खड़ा था, खड्डा था सवाल जैसा, इधर से तो आए फिर इधर से चढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, मरते मरते बोले तू भी जा तो तू काय को बचता, तू भी आ जा सर, उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर तो सब उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कारवा भर रहा था, हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वालों ने हमको फ्री दिया था पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। फिर वो जो थोड़े आगे जाते थे वहां मस्जिद थी, मस्जिद के आगे सब वो बैठा हो गए, काटो मारो काटो मारो में नहीं तो। लेकिन इन्होंने बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटते से हो कुछ मारो काटो जला ना अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है, वो लोग बहुत लोगों ने लूटने में रहे। अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या है अपना, ये सब थोड़ा रेप तो नहीं हुआ ऐसे आपको किधर खींच के ले गए ना, वो बात तो अलग है। बाकी जब हम लोग चलते थे उसके पीछे टोला भी था ना, तो वो कहाँ रेप करने की जगह मिलेगी, उस टाइम तो ये होता खुला था कि जैसे आज चल रहे आगे हो रहा है काटाकड़ी मारामारी हो रहा है, उसमें कैसा था कि ऐसे गली थी से। तो हम लोग घुसे वो लोग घुसे तो पहले सामना होता था, आमना सामना होता था, वो लोग की ताकत वो लोग लगाते थे, फिर कहीं हुआ कहीं लगा वो हुआ, फिर जैसे ताकत के घुस गए 5-7 पड़ गिर गए मर गए तो फिर आगे चलते थे। तो उसमें क्या है एक कोई कहीं ऐसी लड़की कहीं भाग रही है कोई कोई इशारा ले गया उठा के वो और बात अलग है। उस टाइम तो उस जगह पे तो सब, मगर जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान में हुआ पाकिस्तान वालों ने कहा था उस टाइम आप देखो ना सर वो लाशें पड़ी थी, वो उस टाइम सीन खेतने जैसा नहीं था कि किसी के हाथ में आ जाए। हमने वो एक वीडियो वाला आया था मीडिया वाला उसको भी चला दिया, हाँ, और मैं बहुत लोगों जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है हमको माल जय माता जी वो तिलक लगाया और बोले जय श्री राम जय माता जी भी हुआ। वो बताइए ना वो SRPF वाले ने कैसे बचाया, एक खाली मुसलमान था SRPF का बड़ा था सैयद अली जो अधिकारी था, अधिकारी था और SRPF के पीछे ही वो सब हुआ कांड हुआ ये मारा मारी का कांड हुआ। बाकी जो भागे ऊपर जो खड्डे के ऊपर थे वो भागे, वो कंपाउंड SRPF के कंपाउंड में घुस गए, जो SRPF के पुलिस वाले थे वो भगा रहे जब तक वो गाड़ी लेके आ गया और उसने बोला कि सबको अंदर डालो चलाओ, तो वो तो फिर वो कमांडो है अधिकारी है, तो उसमें बहुत लोग बच गए, कम से कम 500 लोग वहां बच गए, मेरे को दूसरे 500 लोग हो जाते। लेकिन उसके ऊपर भी गोली चलाई हम लोगों ने, उनको भी गोली चलाई SRPF वाले के, वो भी हमारा साक्षी है सामने। फिर हमारा वो बना है लेकिन बाद में फिर नरेंद्र भाई ने उसको प्रमोशन मोशन देकर शांत किया है। तो
काम तो वो फटे कांड का बहुत अच्छा हुआ था, और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व संस्था है, हिंदू संस्था है सब। राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा तो लगता है जब मजा आता है ना सब। उसको मार के आए, मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया, मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहां पे सलीम करके एक था, जो नरोड़ा पाटे का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर आए, तो बोलते हैं पुलिस वालों, बोलता बोले बोले इन्हें मारी, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको थोड़ा थोड़ा दूर ले जाके पूरा कर दिया, क्योंकि दादा ये जीता रहेगा तो बोले पुलिस की जीप में घुसा था, बाहर निकला, कुछ नहीं किया। जिस दिन पाटेकांड हुआ वो तो अयोध्या से, अयोध्या से दिल्ली विल्ली आ गए थे, जहाँ भी आगे आपको पता होगा पाटेकांड जिस दिन हुआ उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटिया आए, बताइए। नरेंद्र भाई पाटिया आके गए, पर वो फिर वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पाटिया आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में, पर जब भी रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे, हिंदू में, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आए कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना छुड़वाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़वाया। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोलकिया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए चार पांच बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सर। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर डेढ़ डेढ़ साढ़े चार महीना हो गए, फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी वहां, बड़ा बाहर आ गए। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए हम बोले तैयार है। हमारे एफ आई आर में लिखा गया है एक को प्रेग्नेंट थी उसको हमने चीर दिया, उनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिज्ञा दे सकते, हम खिचड़ी कढ़ी वाले नहीं है,